दुखने लगा। हाय गाइस, कैसे आप सब लोग? अभी मैं गणपति बप्पा का दर्शन लेने आया था और हम मैनेज में भी 7 घंटे खड़े हुए हैं और अभी भी आगे हम खड़े हैं। सबको यहाँ बैठने के लिए जगह मिल चुका है। ये अंकल को जैसे हमें जगह नहीं मिला। हमें इस चीज का गम है और हमें सीधा सामने कौन दिख रहे हैं? अरे पहले रामदेव बाबा दिख रहे थे, उसके बाद ऑल राइट। सो जैसे गाइस आप देख रहे हो, हम स्टेज के पास आ चुके हैं और हमारा ज्यादा समय नहीं बचा है जो पप्पा का दर्शन लेने वाले गणपति पप्पा मोरिया। और काफी आप अभी देख रहे हो, जैसे कि हमने रात को 1:30 से लाइन में लगे थे और सुबह के अभी जस्ट 9 बज रहे हैं। आप समझ सकते हो 9 घंटे की लाइन हमने सिर्फ पप्पा का दर्शन करने के लिए लिए। कौन सा दर्शन है? रूप दर्शन है, चरण दर्शन। हम चरण दर्शन के लिए हमें 9 घंटा लगा और मैं पहली बार पप्पा का चरण दर्शन लेने जा रहा हूँ और मेरे पीछे आप जितने लोग देख रहे सब चरण दर्शन के लिए आएगा। ये सब रात से ही लगे थे, कितने घंटों से लगे थे क्या पता। और चलते पप्पा सबका आशीर्वाद बनाए रखे, सबका खुशी भी बांटते रहो, अच्छे काम करते रहो और हम आपको आगे मिलते दर्शन के। तो लेट्स सो गाइस, रात को ही हमें अंकल मिल गए थे विद विस्की के साथ और ये इनके साथ इनके जोड़ी। और ये बंदा भी हमें नया मिल गया, इसका नाम आकाश यादव, गोरेगांव से है बंदा। अरे अंडर बंडर लोगों तो तुम लोग जानते ही हो, दैनिश भाई के काफी बड़े फैन है। और जैसे कि अब फाइनली हम पास पहुंचते जा रहे हैं, बहुत ही पास पहुंचते जा रहे हैं पप्पा का दर्शन के लिए। और क्या बोलूं मैं, क्या बताऊं, मैंने सोचा नहीं था कि आज मैं ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा काफी टाइम हो गया वीडियोस बनाने अपलोड किए यूट्यूब पे, तो मैं कुछ भी अच्छा सा आपके लिए बनाऊं और यूट्यूब पे डालूं और अपडेट भी रहूं मैं आपके लिए। तो गाइस ये बंदा पहली बार आया बप्पा का दर्शन के लिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? We are going to meet our realest bro. आप क्या कहना चाहते? हमारे realest bro से मिलने जा रहे हैं। इसका चेहरा ही मोदक के जैसा लग रहा है। जिंदगी में एक बार तो आओ फैमिली के साथ। क्या बात है भाई, अरे भाई आप क्या कहना चाहते हो? ये भाई को जॉब पे जाने का था, बेचारा जा नहीं पा रहा हमारे चक्कर में, बहुत टेंशन में और सेट के हिसाब से डर रहा है। सेट से डर रहा है? हाँ, बोल बिंदास 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 बोल रहा भाई। बोल सेट का कंपनी बंद करवा देंगे इस वीडियो से। बोल बप्पा का दर्शन लेना जरूरी है। वी वेयर सेव्ड आवर 2 hours इन लाइन बट यू हैव टू वेट 10 to 12 hours फॉर बप्पा दर्शन गणपति बप्पा। ऐसा लाइन हर जगह होता तो मस्त बैठ के भी जा जाए खड़े होकर, लेकिन काफी कष्ट बहुत है आने में, क्या करेंगे, दर्शन से करना पड़ता है कुछ ना कुछ, राइट पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, होना पड़ता है। और जिस पूजा में जिस मन्नत में पप्पा का कष्ट और दर्शन ना मिले अच्छे फटाक से मिल जाए तो उसमें मजा नहीं है, कई मेहनत होनी चाहिए, तब हमें उस मेहनत की हमें उस मूल्य की हमें पता होती है वो चीज क्या होती है। जैसे आप घर पे बैठे हो आ रहे टीवी पे देख रहे हैं पापा बात, एक बार आओ देखो यार क्या मजा होता है। रियल लाइफ पेन, रियल लाइफ पेन नहीं है भाई, पेन नहीं है, पेन बोल रहे हैं ये एंटी डोज है, इसका बात में ज्यादा सीरियस मत लो ना, अलग ही जोन है, अलग ही जोन है, जा रहे कुछ भाई आप। तो ऑलराइट सो गाइस, अभी हम सीधा पप्पा के चरण दर्शन में पहुंचेंगे, फिर आपको हम वहाँ मिलते, तब तक लिए बने रहो। वो मुख दर्शन है। सो ऑलराइट गाइस, हम फाइनली पप्पा का दर्शन के लिए
पहुँच ही गए। जैसे आप बहुत देख रहे हो, भीड़ है बहुत ही भीड़ है और काफ़ी प्यार है ये बप्पा के लिए सबका, और हमें भी वेट नहीं हो रहा है। और पप्पा को ये प्रसाद हमें चढ़ाना है। गणपति बप्पा मोरिया। गेलो घेतो तो गाइस हमारा अच्छे से दर्शन हो चुका, वो आपने इस ब्लॉग में देखा होगा। तो अभी हम चलते हैं, मिलते हैं। अच्छा हुआ शॉपिंग का ही निकाला इसने, शॉपिंग कर रहे थे। तो भाई पापा का अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सी यू। और एक चीज देख लो,